हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है लाइट ट्वीट्स को, जहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। तो गाइस, आज के वीडियो में हम फिर से एक बार बात करने वाले एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन के बैन के ओमनिट्रिक्स के बारे में, जो कि हमें बेंटन ओमनिवर्स सीरीज के अंदर दिखाया गया। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। So let's start। तो गाइस, बेंटन ओमनिवर्स सीरीज के अंदर हमको बहुत सारे अल्टरनेटिव टाइमलाइंस के बैन दिखाए गए, जिसके पास अपना ओमनिट्रिक्स था, सिवाय नो वॉच बैन को छोड़ के। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम जिस ओमनिट्रिक्स के बारे में बात करने वाले, वो भी एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन के बैन का ओमनिट्रिक्स है। हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं नेगा बैन के ओमनिट्रिक्स एंड की नेगाट्रिक्स के बारे में। तो गाइस, जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिर नेगाट्रिक्स के अंदर कौन से फीचर्स है और नेगा बैन कौन है। तो चलिए गाइस, हमेशा की तरह सबसे पहले इसका थोड़ा सा अपीयरेंस या डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो गाइस, अगर यहां पे नेगाट्रिक्स की डिजाइन की बात करें, तो एग्जैक्टली सिमिलर लगता है प्राइम टाइमलाइन के बैन के न्यू ओमनिट्रिक्स की तरह। बट गाइस, यहां पे थोड़े से कलर चेंजेस किए गए, जैसे कि ग्रीन पार्ट्स को ग्रे कर दिया गया है और सभी व्हाइट पार्ट्स को ब्लैक कर दिया गया है। मतलब गाइस, एक तरह से कहे तो नेगाट्रिक्स को एक डार्क पंक थीम में बनाया गया है, बिल्कुल नेगा बैन के थीम के सिमिलर। तो चलिए गाइस, बात करते हैं नेगाट्रिक्स के फीचर्स के बारे में। तो गाइस, बाकी सभी ओमनिट्रिक्स की तरह भी नेगाट्रिक्स एक लेवल 20 टेक का डीएनए अल्टरर है, यानी कि इसके यूजर के डीएनए को किसी और एलियन स्पीसीज के डीएनए में ट्रांसफॉर्म करता है। और गाइस, बात करें तो बाकी सभी इसके जो फीचर्स है वो बिल्कुल ही सिमिलर है प्राइम टाइमलाइन के बैन के ओमनिट्रिक्स की तरह। लेकिन गाइस, नेगाट्रिक्स उसके यूजर मैडबैन की तरह उसके सभी ट्रांसफॉर्मेशन को एक डार्क थीम में बदलता है। क्योंकि गाइस, आपको पता होगा कि कोई भी ओमनिट्रिक्स होता है उसके अंदर एक मैट्रिक्स को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो कि उसके यूजर को जो है पूरी तरीके से समझता है, उसको पूरी तरीके से एनालाइज करता है और उसी के हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्मेशन देता है। नेगाट्रिक्स के अंदर वो सभी एलियंस के डीएनए है जो कि प्राइम टाइमलाइन के बैन के ओमनिट्रिक्स के अंदर है। लेकिन गाइस, एक बात अननोन है कि इस ओमनिट्रिक्स के अंदर फीडबैक है या नहीं। और गाइस, नेगाट्रिक्स के अंदर एक ऐसे एलियन के बारे में भी बताया गया है जो कि सिर्फ नेगा बैन के डायमेंशन या फिर टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है, और इस एलियन का नाम है द डार्कनेस। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये एलियन एक नॉन कैनन एलियन है, क्योंकि यार बेंटन के आर्ट डायरेक्टर डेरिक ने इसको ओमनिवर्स खत्म हो जाने के बाद डिजाइन किया था, और इसी वजह से इसका स्पीसीज और होम प्लेनेट दोनों ही अननोन है। लेकिन जैसा कि इसका नाम है द डार्कनेस, तो इसके पावर्स के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसके पास शायद शैडो और डार्कनेस से रिलेटेड पावर्स हो सकती है, शायद इसके पास स्टोइपिक या फिर घोस्ट फ्रिक्स से सिमिलर पावर्स हो सकती है। तो खैर, चलिए अब बात करते हैं आखिर नेगा बैन कौन है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नेगा बैन एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन का बैन है। तो जैसा कि इसका नाम है नेगा बैन, इसकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल नेगेटिव और ग्लूमी है। मतलब एक तरीके से कहे तो काफी मिस्टीरियस है, ऐसा है कि इसको कुछ भी हो जाए उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इस नेगा बैन की वर्ल्ड की बात करें तो ऐसा है कि जहां पर नॉर्मली काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है और एक तरीके से तो काफी ज्यादा क्राउडेड मेगा सिटीज जैसा है। एग्जांपल के लिए समझ लीजिए पोर्टलैंड और सीटल के हिपस्टर एरिया। और नेगा बैन एक काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। नेगा बैन की लुक की बात करें तो ब्लैक कलर की हुडी पहनता है और उसके आंखों के नीचे ब्लैक आईलाइनर लगाता है। अब गाइस, ये मत पूछना कि कौन सी कंपनी का लगाता है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। गाइस, नेगा बैन को बाकी बैन से डिफरेंट केल चिप्स और एस्प्रेसो स्मूदीज पसंद है। और गाइस, नेगा बैन की वर्ल्ड के अंदर जो ग्वेन है वो एक चीयर लीडर है और प्राइम टाइमलाइन के ग्वेन से काफी ज्यादा कम स्मार्ट है। और इस टाइमलाइन के केविन में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, बिल्कुल ही प्राइम टाइमलाइन के जैसा है, और यहां पर भी वो ग्वेन को डेट करता है। गाइस, नेगाट्रिक्स को बनाने के बाद इस टाइमलाइन के एजमत और उसकी पूरी गैल्वेन स्पीशीज को एक बुरे सेलेस्टियल सेफिन या फिर कहे तो एक एलियन एक्स ने हमेशा के लिए मिटा दिया। गाइस, शायद उनके प्लैनेट गैल्वेन प्राइम को डिस्ट्रॉय नहीं किया होगा, क्योंकि इसी वजह से अभी तक जो नेगाट्रिक्स कनेक्टेड है कोडोम स्ट्रीम से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइम टाइमलाइन के बैन के न्यू ओमनिट्रिक्स की तरह इसके अंदर भी जो सभी एलियन डीएनए को एक कंप्यूटराइज फॉर्म के अंदर स्टोर किया गया है, जिसकी वजह से उसको कोडोम स्ट्रीम से कनेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। और गैल्वेंस को मिटाने के अंदर मोल्ट्रन जो कि क्रोनोसेपियंस था, उसका भी एक बड़ा हाथ है। और जैसा कि नेगा बैन का नेचर है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसका जो नेगाट्रिक्स का क्रिएटर है उसकी पूरी स्पीसीज को खत्म कर दिया गया है, इसी वजह से शायद उनको बचाने भी नहीं गया होगा। और इस बात करें तो यहाँ पे नेगा बैन को सुमो स्लैमर काफी ज्यादा पसंद है, बट वो काफी ज्यादा रिच यानी कि अमीर है, इसकी वजह से वो ज्यादातर एक्सपेंसिव गेम ही खेलता है। तो चलिए गाइस, मैं आपको कुछ बोनस फैक्ट बताता हूँ नेगा बैन के बारे में। तो गाइस, अगर जो है नेगा बैन एलियन एक्स यानी कि सेलेस्टियल सेपियंस में ट्रांसफॉर्म होता है, तो वो शायद सरीना और बेलेजिकस के साथ बहस करेगा ही नहीं और हमेशा के लिए वहाँ फंसा रह जाएगा, क्योंकि उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन गाइस, पैराडॉक्स उसकी मदद कर सकते हैं वापस नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, बट गाइस एलियन एक्स की पावर वो यूज कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि वो सरीना और बेलेजिकस के साथ बातें करेगा ही नहीं, उसके साथ डिस्कशन करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका नेचर ही कुछ ऐसा है। और गाइस, नेगा बैन और बेंजारो ये दोनों अल्टरनेटिव टाइमलाइन के बैन जो है वो बेंटन के आर्ट डायरेक्टर डेरिक के फेवरेट बैन है। तो गाइस, ये थी नेगाट्रिक्स और नेगा बैन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप ये वाले अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो।